मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें एमटीवी न्यूज इंडिया को। और किस जिले की मौसम की जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। मौसम का अलर्ट, चक्रवात विपर्जॉय का राजस्थान में असर। मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइटों को कैंसिल करने के साथ ही बाड़मेर से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, राजस्थान में आज से हवाओं में नमी और तेजी महसूस होना शुरू हो गई है। विपर्जॉय चक्रवात का प्रभाव शुरू हो गया है। 18 से 20 जून तक यह तूफान भारी बारिश करेगा। तूफान को लेकर राजस्थान के 5 जिलों में बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर और पाली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अति भारी बारिश के आसार हैं, जो 150 से 250 मिलीमीटर तक हो सकती है। इन जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। इसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा और शेखपुरा शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही धूल भरी आंधी भी चल सकती है। इससे लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। दक्षिण पूर्व राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में आज हल्की से भारी स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान में सोमवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरब सागर में उत्पन्न हुए इस साल के पहले चक्रवात विपर्जॉय ने 15 जून की शाम को उत्तरी गुजरात के तटों पर अपनी दस्तक दी। अब यह उत्तर पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिण सिंध के आसपास के हिस्सों की ओर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि यह अब दक्षिण राजस्थान के ऊपर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि इसका असर 18 जून की सुबह तक गुजरात तट पर महसूस किया जाएगा। इसके चलते सौराष्ट्र और कच्छ तट पर हवाओं की गति 25 से 30 किलोमीटर होगी। 18 जून की सुबह तक हवा की लहरें भी ऊंची रहेंगी। हवा की गति कम होने लगेगी और 18 जून की सुबह से लहरों की ऊंचाई भी कम हो जाएगी। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।